हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगा। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनास फातिमा। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज के इस वीडियो में मैं यूपी टेट और सी टेट के बाकी 15 क्वेश्चन लेकर हाजिर हुई हूँ, यानी 15 मैंने पहली वीडियो में कराए थे और 15 आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 16, महाजन कहाँ रहता था? तो ये रहता था वृंदावन में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ये किसी नगर का नाम है यानी टाउन एरिया। सवाल नंबर 17, सैकड़ों तोड़े अशरफियों के इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है अशरफियों की थैली। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 18, तुलबा को उर्दू जबान किस तरह सिखाई जाए? तुलबा यानी स्टूडेंट्स को उर्दू लैंग्वेज किस तरह सिखाई जाए? पहले उनको उर्दू हरूफ तहज्जी की पहचान कराई जाए। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी स्टूडेंट्स को उर्दू जबान सीखने के लिए हरूफ तहज्जी की पहचान होना जरूरी है। हरूफ तहज्जी किसको कहते हैं? जैसे इंग्लिश में कहते हैं ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स, इसी तरीके से अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ होते हैं उनको कहते हैं हरूफ तहज्जी। तो इसीलिए उर्दू जबान को सीखने के लिए सबसे पहले हुरूफ तहज्जी की पहचान होनी जरूरी है, यानी उर्दू में जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी पहचान होनी चाहिए। इसकी पहचान होने के बाद उर्दू सीखना तुलबा यानी स्टूडेंट्स के लिए आसान होगा। सवाल नंबर 19, बसरी आलात की निशानदेही कीजिए। आलात किसको कहेंगे? टूल्स को कहेंगे। बसरी आलात की निशानदेही कीजिए यानी इनमें पहचानिए। बसरी आलात से क्या मुराद है सबसे पहले हम इसको जानेंगे, यानी वो टूल्स जिसको हम देख सकते हैं उसको कहते हैं बसरी आलात। तो इसमें बसरी आलात कौन से हैं? तस्वीर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी विजुअल टूल्स। एक होते हैं समी आलात और एक होते हैं बसरी आलात। बसरी आलात कहते हैं जिनको देखा जा सकता है और समी आलात कहते हैं जिनको सुना जा सकता है, यानी आवाज ऑडियो वगैरह। सवाल नंबर 20, तुलबा की सलाहियत का अंदाजा लगाया जाता है, यानी किस चीज से लगाया जाता है? तुलबा यानी स्टूडेंट्स सलाहियत एबिलिटी यानी उसकी एबिलिटी का अंदाजा किस चीज से लगाया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सबक पढ़वाकर यानी चैप्टर पढ़वाकर उसकी सलाहियत का अंदाजा लगाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी वो कैपेबल है या नहीं है तो उसकी सलाहियत का अंदाजा चैप्टर पढ़वाकर लगाया जाता है। सवाल नंबर 21, तुलबा की जमात में बदनज़मी पैदा हो जाती है। तुलबा स्टूडेंट्स जमात क्लास बदनज़मी इनडिसिप्लिन, यानी तुलबा स्टूडेंट्स की क्लास इनडिसिप्लिन कैसे हो जाती है, उसकी क्या वजह होती है, इस सवाल में ये पूछा जा रहा है। तुलबा की जमात तुलबा की क्लास इनडिसिप्लिन हो जाती है वो किस लिए? स्टूडेंट्स को जरूरत से ज्यादा आजादी देने से। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 22, होनहार तुलबा को गबी तुलबा के मुकाबले में क्या देना चाहिए? होनहार तुलबा से क्या मुराद है, यानी जो बच्चे जहीन होते हैं पढ़ने में अच्छे होते हैं, और गबी तुलबा यानी जो कुंद जहन होते हैं यानी जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर होते हैं, उनके मुकाबले में उनके कंपैरिजन में क्या देना चाहिए? यानी जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, होनहार तुलबा हैं, उनको गबी तुलबा के मुकाबले में क्या देना चाहिए? कुछ मुश्किल होमवर्क देना चाहिए, इससे तुलबा इससे स्टूडेंट्स और ज्यादा होशियार बनते जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 23, कोई तालिबे इल्म जमात में उस्ताद के साथ बदसुलूकी करे तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? वजूहात मालूम करके हल निकालना चाहिए, यानी उसने जो बदसुलूकी की है, मिसबिहेवियर क्या है, उसकी वजह क्या है, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी उस स्टूडेंट ने उस्ताद यानी टीचर के साथ बदतमीजी क्यों की, उसकी वजह जाननी चाहिए ताकि बच्चा दोबारा बदतमीजी बदसुलूकी ना करे। सवाल नंबर 24, एक मुअल्लिम यानी टीचर का अहम तरीन मकसद यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल क्या होना चाहिए? एक टीचर का अहम तरीन मकसद होता है तुलबा यानी स्टूडेंट को मुतमईन रखना। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी एक स्टूडेंट उस्ताद के पढ़ाने से सेटिस्फाई है या नहीं, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स मुतमईन नहीं होंगे एक टीचर के पढ़ाने से तब तक पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। सवाल नंबर 25, स्कूल में नज्म व जब्त से डैश, नज्म व जब्त किसको कहेंगे? डिसिप्लिन को कहेंगे। तो इसमें क्या फील होगा?
तुलबा को अपने फराइज अदा करने की तरगीब मिलती है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। फराइज किसको कहेंगे? ड्यूटीज, तरगीब, मोटिवेशन। सवाल नंबर 26, उर्दू ब्रजभाषा से निकली है, ये किस मुहक्किक का नजरिया है? तो ये किस रिसर्चर का नजरिया है? ये नजरिया है मोहम्मद हुसैन आजाद का, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 27, उर्दू का रस्मुल खत है क्या है? तो वो है नस्तालीक, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। उर्दू का जो रस्मुल खत आजकल राइज है, उस रस्मुल खत को नस्तालीक कहते हैं। रस्मुल खत किसको कहते हैं? जबान को तहरीर में लाने वाली तरकीब को क्या कहते हैं? रस्मुल खत कहते हैं। तहरीर किसको कहते हैं? लिखना। सवाल नंबर 28, उर्दू रस्मुल खत में लिखा जाता है यानी किस तरह से लिखा जाता है? तो लिखा जाता है दाएं से बाएं, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। जब उर्दू रस्मुल खत को लिखते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? दाई जानिब से शुरू करते हैं यानी राइट साइड से शुरू करते हैं और बाई जानिब लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29, जबान की कितनी किस्में हैं? जबान की किस्में हैं दो, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। दो कौन कौन सी हैं? तहरीरी जबान और तकरीरी जबान। सवाल नंबर 30, दुनिया में आबादी के बढ़ते हुए, आबादी यानी पॉपुलेशन, सबसे बड़ा मसला दरपेश है, यानी सबसे बड़ा मसला कौन सा पेश आता है? तो सबसे बड़ा मसला पेश आता है पानी का, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। पानी का मसला सबसे बड़ा मसला है दुनिया में, आबादी के बढ़ते हुए पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है यानी कमी हो रही है, और पानी हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए सबसे बड़ा मसला कौन सा पेश आ रहा है? पानी का। मैं इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ खत्म करूंगी कि इस वीडियो के तमाम सवालात के जवाब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारे इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरी सलाह जरूर क्या करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छी से तैयारी करते रहें और खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।